नमस्कार दोस्तों, टुडे ट्रेंडिंग न्यूज़ पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वायरल वीडियोस और ट्रेंडिंग न्यूज़ से संबंधित अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और बेल आइकन को दबाइए मोर अपडेट्स पाने के लिए। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को व्हाट्सएप का एक नया फीचर्स आया है डिलीट फॉर एवरीवन का। तो इसके अंदर अगर कोई भी एसएमएस आपको भेजा गया है और वो बाद में डिलीट कर दिया गया है तो आप उस एसएमएस की रिकवरी कैसे कर सकते हैं, उस एसएमएस को दोबारा कैसे देख सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने आपको एसएमएस सेंड किया है और बाद में वह एसएमएस उस व्यक्ति द्वारा डिलीट कर दिया गया है तो वो एसएमएस इस प्रकार से डिलीट हुआ एसएमएस इस प्रकार से दिखाई देगा। चलिए देखते हैं। एक साइड में मेरा एक फ़ोन है जिससे मैं कुछ एसएमएस लिख के अपने दूसरे दोस्त को भेज रहा हूँ, तथा दूसरे फ़ोन में वह एसएमएस जाता है और बाद में वह व्यक्ति उस एसएमएस को देखने से पहले मैं उस एसएमएस को मेरे फ़ोन से डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के पश्चात यह एसएमएस मेरे दोस्त के फ़ोन से भी डिलीट हो जाएगा। इसमें अगले इंसान के मन में यह बात खटकती है बार बार कि मेरे दोस्त ने मुझे क्या एसएमएस भेजा है, किस प्रकार का एसएमएस भेजा होगा। यह चीज़ देखने के लिए उस व्यक्ति द्वारा उस एसएमएस की रिकवरी की जाती है जो इस प्रकार है। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है, वहाँ पे आपको टाइप करना है टाइमलाइन ऐप जिसको आपको इंस्टॉल करना है। मेरे फ़ोन में टाइम्स लाइन ऐप पहले से इंस्टॉल है इसलिए मैं इसे ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद इस ऐप को आपको सारी परमिशन देनी है, आपके ऐप नोटिफिकेशन देखने की, आपकी एसएमएस या जो भी नोटिफिकेशन आपको रिसीव होती है उस एसएमएस रिकॉर्ड करने। ऐप को ओपन करने के बाद मेरे दोस्त द्वारा मेरे पास जो मैसेज भेजा गया था, बाद में उस एसएमएस को डिलीट कर दिया गया था, वो एसएमएस ये है। इस ऐप में जो भी आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होती है उसको रिकॉर्ड करके रखा जाता है। इस प्रकार से आपके दोस्त द्वारा आपको अगर कोई भी एसएमएस भेजा जाता है, बाद में वह एसएमएस डिलीट कर दिया जाता है, आप इस ऐप की सहायता से उन एसएमएस को देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही मोर अपडेट्स पाने के लिए। धन्यवाद।